आज जब मैं सर्वर रिव्यू करने के लिए ब्राजील सर्वर पर गया तो पता है ब्राजील सर्वर ने क्या कहा? सर्वर रिव्यू क्यों करते हो 94% भाई तो अपने बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देखते हैं। तो मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं भाई, कम से कम वीडियो देखते तो हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आगे जाके कर लेंगे। तो भाई लाल कलर का बटन है भाई, उसको दबा दो और सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता हूं, पर आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते। भाई आज मैंने यहाँ पर अपना डेटा वगैरह देखा तो मैंने पाया कि भाई 94% भाई अपना वीडियो देखते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई यार सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, तो भाई यहाँ पर अपना सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को यहाँ ऑल पर सेट कर दो। तो मेरे प्यारे भाइयों कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हो आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ में। अपन ने यहाँ पर ब्राजील सर्वर का रिव्यू नहीं किया था, पर अपन ने यहाँ पर बहुत सारे सर्वर का रिव्यू कर लिया। वियतनाम हो गया, मैना हो गया और इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। अभी भी अपने लिए यहाँ पर बहुत सारे सर्वर यहाँ पर बचे हैं रिव्यू करने के लिए, क्योंकि भाई OB28 अपडेट के बाद सारे सर्वर चेंज हुए, वो मैं यहाँ पर हर वीडियो में कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ भाई जो अपने नए यहाँ पर व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, जो यहाँ पर नए नए वीडियो देख रहे हैं, उनको यहाँ पर बताना जरूरी है कि भाई अदर सर्वर बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। इंडिया सर्वर हालांकि उतना चेंज नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है, पर भाई अदर सर्वर इतना ज्यादा चेंज हो चुके, कि अपन को यहाँ पर वीडियो देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। अब हम यहाँ पर जिस सर्वर की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर ब्राजील सर्वर, और भाई ब्राजील सर्वर का तो आपको पता ही होगा जितने भी इवेंट आते हैं, मतलब हम बात करें जितने भी इंडिया सर्वर पे इवेंट आते हैं, जो भी यहाँ पर अदर सर्वर पे नए नए इवेंट आते हैं, सबसे पहले इवेंट आते हैं वो ब्राजील सर्वर पे, फिर ही भाई यहाँ पर अदर सर्वर पे जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करें ब्राजील और इंडोनेशिया सर्वर, दोनों भाई एकदम टक्कर के सर्वर हैं। अगर आपने इंडोनेशिया सर्वर का वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर बात करें ब्राजील सर्वर की, तो भाई ब्राजील सर्वर इवेंट का बादशाह है। इधर भाई इतने अच्छे अच्छे इवेंट चलते हैं, और भाई अगर आप इसका डायमंड रॉयल और गोल्ड रॉयल का बंडल देखोगे तो आप यहाँ पर हैरान रह जाओगे भाई इस प्रकार के कैसे बंडल यहाँ पर गरेना वाले यहाँ पर ब्राजील सर्वर पे दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अदर सर्वर का यहाँ पर डायमंड रॉयल और गोल्ड रॉयल उठा के देखोगे तो बंडल आपको बहुत अजीब मिलेंगे, लेकिन जो गरेना फ्री फायर वालों ने ब्राजील सर्वर को बंडल दिया डायमंड रॉयल में और गोल्ड रॉयल में, वो यार इतना बढ़िया बंडल आप देखोगे तो आप कहोगे भाई ऐसा बंडल अपने इंडिया सर्वर में आना चाहिए। तो भाई इस प्रकार के यहाँ पर ब्राजील सर्वर पे बहुत सारे इवेंट चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे भाई डायमंड का क्या प्राइस है, ब्राजील सर्वर पे क्या कुछ चलता है, किस प्रकार के बंडल आते हैं भाई, कितने सारे करेक्टर गोल्ड में मिलते हैं, कितने सारे करेक्टर फ्री में मिलते हैं, इमोट वगैरह फ्री में मिलते हैं या नहीं मिलते, और यहाँ पर बात करें बहुत सारे ऐसे यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर फैक्ट की बात होंगी भाई, इतना कुछ अपन को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलो फिर यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपन ने यहाँ पर ओपन कर लिया ब्राजील सर्वर, अब हम यहाँ पर टैप टू बिगिन पर क्लिक करेंगे और भाई एक एक करके सारे इवेंट देखेंगे भाई अपन को यहाँ पर जाते ही होम स्क्रीन पर कितने प्रकार के इवेंट देखने को मिलते हैं। जैसे ही अपन ने यहाँ पर ब्राजील सर्वर ओपन किया, बस वैसे ही अपन को यहाँ पर एक फ्री इवेंट देखने को मिला। और मैं यहाँ पर पहले भी आपको बता दूंगा भाई ब्राजील सर्वर पे अभी एक मैजिक क्यूब फ्री मिल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस किस प्रकार से यहाँ पर ब्राजील सर्वर में मैजिक क्यूब और भाई यहाँ पर बहुत सारा बंडल वगैरह फ्री मिल रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ पर एक एक करके सारे इवेंट को निकालते हैं, क्लोज करते हैं और होम स्क्रीन पर चलते भाई क्या कुछ देखने को मिलेगा। दूसरा इवेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये अपना दूसरा इवेंट है, ये तीसरा इवेंट है, और ये भाई चौथा इवेंट है, और उसी के साथ में पांचवा इवेंट है। तो यहाँ पर देख लो अपना ब्राजील सर्वर ओपन हो चुका है। वैसे मेरे पास ब्राजील सर्वर के अंदर इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर ब्राजील सर्वर पे ज्यादा गेम प्ले नहीं किया, बस यहाँ पर वीडियो वगैरह यहाँ पर बनाए हैं। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर बात करें, आप यहाँ पर मास्क वगैरह देख पा रहे होगे, तो अभी कुछ ही दिनों पहले ब्राजील सर्वर में ये वाला मास्क एकदम फ्री मिला था। लेकिन हम यहाँ पर बात करें इस मास्क की, तो भाई इंडिया सर्वर में ये वाला मास्क अपन को इवेंट में देखने को मिला था। तो चलो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पर सेटिंग पर देख लो कि भाई ये कौन सा सर्वर है। तो आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होगे रीजन ब्राजील, तो आपको यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुका होगा कि अपना यहाँ पर ब्राजील सर्वर है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले अपन को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अपन यहाँ पर स्टोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लकरवाल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इवेंट वगैरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ पर ओपन करते हैं लकरवाल के अंदर से कि भाई लकरवाल के अंदर क्या क्या है। तो भाई यहाँ पर हमने जैसे ही लकरवाल को ओपन किया, वैसे ही अपन को यहाँ पर एकदम रेयर इवेंट देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर बात करें ये वाला इवेंट अपने इंडिया सर्वर में आया था, लेकिन अपन को सिर्फ इस वाले फेडेडिबिल में एक ही बंडल देखने को मिला था। लेकिन अगर हम बात करें ब्राजील सर्वर के हिसाब से, तो आपको ये वाला बंडल भी इसी फेडेड बिल में मिलेगा, और उसी के साथ में आपको एक इमोट भी मिलेगा, और उसी के साथ में आपको कुछ क्रेट भी मिलेंगी। दूसरे नंबर पर अपना आता है यहाँ पर इनक्यूबेटर, तो आप यहाँ पर इनक्यूबेटर देख पा रहे हो कि भाई किस प्रकार का इनक्यूबेटर है। लेकिन हमें यहाँ पर बात करें जो इनक्यूबेटर है ब्राजील सर्वर का, अपन को यहाँ पर ब्लू प्रिंट का एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो बाकी सर्वर है अपना, जैसे इंडिया सर्वर है, इधर अपन को कुछ और आइटम देखने को मिलता है, पर इधर ब्लू प्रिंट नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ यहाँ पर चेंजेस वगैरह है, तो आप यहाँ पर देख लो। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर बात करें इनक्यूबेटर अपने इंडिया सर्वर की तरह एकदम सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ब्राजील सर्वर के सबसे रेयर इवेंट की, यानी कि डायमंड रॉयल की।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो ब्राजील सर्वर का डायमंड रॉयल है वो किस प्रकार का है। इधर आपको देखने को मिलेगा एकदम मेल एंड फीमेल के दो रेयर बंडल। तो आप यहाँ पर देखोगे जो इंडिया सर्वर के अंदर जो बंडल दिया भाई कितना बेकार बंडल दिया है, लेकिन ब्राजील सर्वर के अंदर आप यहाँ पर डायमंड रॉयल का बंडल देखोगे मेल एंड फीमेल का दोनों बंडल एकदम काफी रेयर बंडल है। और हो सकता है आने वाले यहाँ पर डायमंड रॉयल इवेंट में अपन को ये वाले बंडल देखने को मिले, या फिर ये वाले बंडल अपन को यहाँ पर अदर इवेंट में देखने को मिले। लाइक यहाँ पर हम बात करें कि भाई फेडेड बिल में भी देखने को मिल सकती है, और फेंटा फिलिप जैसे कुछ और इवेंट आते हैं उनमें भी अपन को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और भाई कभी कभार अगर मिस्ट्री शॉप आ गया तो उसमें भी अपन को ये वाला बंडल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर बात करें ये वाला बंडल सिर्फ ब्राजील सर्वर के ही ऊपर यहाँ पर मतलब अवेलेबल है। अभी हम बात करें अदर सर्वर पर तो ये वाला बंडल कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ब्राजील सर्वर के अंदर अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप देखोगे ये ब्राजील सर्वर का डायमंड रॉयल है। मैजिक क्यूब देखो एक ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर बात करें डायमंड रॉयल के अंदर आपको फ्रेगमेंट 5 मिलेगा। इमोट भी आपको यहाँ पर डायमंड रॉयल के अंदर देखने को मिलेगा। और उसके साथ बात करें जो क्रेट है, इसकी क्रेट भाई काफ़ी रेयर है, आपको इन क्रेट के अंदर देखने को मिलेगी व्हीकल की स्किन। तो हम यहाँ पर देखोगे भाई फरारी हो गया, और भाई यहाँ पर बहुत सारी अपनी जीप की स्किन हो गई, टैक्सी की स्किन हो गई, और बाइक की स्किन हो गई। सारी स्किन आप यहाँ पर देख पाओगे कि भाई इस क्रेट के अंदर आपको सारी यहाँ सारी कार की स्किन मिल जाएंगी। और उसके साथ हम बात करें बहुत सारी ऐसी क्रेट यहाँ पर डायमंड रॉयल के अंदर अवेलेबल है जो कि अपने इंडिया सर्वर के अंदर कभी भी नहीं होने वाली। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ब्राजील सर्वर के गोल्ड रॉयल की। तो आप यहाँ पर गोल्ड रॉयल देख पाओगे कि भाई इंडिया सर्वर की तरह सेम है, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडोनेशिया सर्वर का गोल्ड रॉयल उठाकर देखेंगे तो आपके यहाँ पर सारे करेक्टर गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ब्राजील सर्वर है उसके गोल्ड रॉयल के अंदर आपको कोई भी करेक्टर कोई भी मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर रिवार्ड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे वेपन रॉयल की। तो आप यहाँ पर वेपन रॉयल देख पा रहे होंगे। तो इधर आप देखोगे जो भी विंटरलैंड की जो भी गन की स्किन आई वो आप यहाँ पर देखोगे वेपन रॉयल के अंदर अवेलेबल है। और उसके साथ में आप यहाँ पर देखोगे ग्रेनेड की स्किन भी इसी वेपन रॉयल के अंदर अवेलेबल है, जो कि मैंने यहाँ पर दो यहाँ पर ग्रेनेड की स्किन निकाल लिए थे। और उसके साथ हम बात करें जो MP5 की रेयर स्किन है, यहाँ पर डबल रेट ऑफ फायर वाली जो MP5 की स्किन है वो भी इधर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डिफरेंट है वो है यहाँ पर कुछ गन की स्किन। तो आप यहाँ पर देखोगे विंटरलैंड की सारी गन की स्किन अवेलेबल है, लेकिन अभी के लिए अपन यहाँ पर विथ प्रूफ यहाँ पर स्पिन लगाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हो कि मेरे पास 15 टोकन अवेलेबल है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर 10 की स्पिन लगाएंगे और देखते हैं भाई वेपन रॉयल में अपन को क्या निकलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ पर 10 की स्पिन लगा देते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं भाई अपन को क्या कुछ निकला है। मेरे ख्याल से कुछ नहीं निकलेगा, बस हो सकता है कुछ निकल जाए या फिर ना निकले। तो देखोगे MP5 की स्किन निकल गई, और भी अपन को कुछ निकला है तो ग्रेनेड का स्किन निकला, और अपन देखेंगे भाई क्या निकला क्या निकला। तो आप यहाँ पर देखोगे अपन को एक MP5 की स्किन निकली, ग्रेनेड की स्किन निकली। जैसे हम यहाँ पर आए स्टोर सेक्शन के अंदर वैसे अपन को देखने को मिला मिस्ट्री शॉप। तो भाई आप यहाँ पर देखोगे इंडिया सर्वर के अंदर अपन को दूर दूर तक भाई मिस्ट्री शॉप के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन ब्राजील सर्वर के अंदर आपको यहाँ पर मिस्ट्री शॉप मिलेगा। और भाई ऐसा कोई भी मिस्ट्री शॉप नहीं होगा कि जो ब्राजील सर्वर और इंडोनेशिया सर्वर पर ना आए, और खास करके साउथ अफ्रीका सर्वर पर ये तीन ऐसी सर्वर है भाई 100% मिस्ट्री शॉप आती है। तो चलो यहाँ पर लक भी देखते हैं मिस्ट्री शॉप का कि भाई अपना कितना लक जाता है और अपन को क्या कुछ देखने को मिलेगा। चलो स्टॉप कर देते हैं और देखते हैं भाई कितना लक ऑफ है। तो आप यहाँ पर देखो भाई 90% ऑफ अपना लक है मिस्ट्री शॉप के अंदर। चलो यहाँ पर इंटर होते हैं और देखते भाई क्या कुछ अपन को देखने को मिलेगा। वैसे मेरे पास अभी के लिए बात करूँ तो कोई भी एक भी डायमंड नहीं है, पर इंडोनेशिया सर्वर के अंदर मिस्ट्री शॉप आता तो अपने पास कुछ डायमंड थे, तो अपन यहाँ पर कुछ परचेज करके देखते। तो अभी के लिए आप यहाँ पर ब्राजील सर्वर का मिस्ट्री शॉप देख सकते हो। अपन को ये वाले यहाँ पर डायमंड रॉयल के कुछ टोकन मिल रहे हैं, तो अपन यहाँ पर देखो ये लेटेस्ट टोकन है जो कि ब्राजील सर्वर के डायमंड रॉयल में यूज होते हैं। उसके साथ हम बात करें जो ब्राजील सर्वर का मिस्ट्री शॉप है उसके अंदर अपन को 3 बंडल देखने को मिलेंगे। जूता अपने जो रेयर जूता है वो भी अपन को देखने को मिलेगा, और रिमोट भी देखोगे एकदम रेयर रिमोट वो भी अपन को देखने को मिलेगा। भाई जल क्यों नहीं रहा, तो ये देख सकते हो ये वाला इमोट अपन की शायद अपने इंडिया सर्वर के अंदर टॉपअप में आया था। पेन का स्किन देखोगे, और भाई ये यहाँ पर देख सकते हो बहुत कुछ अवेलेबल है। लेकिन इधर जो अपना यहाँ पर जो फेवरेट आइटम अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पर एलाइट पास। तो यहाँ पर स्विच के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और अपन को एलाइट पास देखने को मिलता कि नहीं मिलता वो अपन देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पर अपन ने स्विच के ऑप्शन पर क्लिक किया, तो जैसे अपन ने यहाँ पर स्विच के ऑप्शन पर क्लिक किया तो अपन को भी अभी यहाँ पर इंक्यूबेटर के टोकन देखने को मिले। और इधर आप देखोगे 3 रेयर यहाँ पर बंडल भी देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर ब्राजील सर्वर का मिस्ट्री शॉप है भाई, इसमें कितने ज़्यादा बंडल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बंडल ही बंडल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे भाई मुझे तो भाई यहाँ पर एलाइट पास कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा तो भाई बताना है कमेंट में, जरूर बताना कि भाई एलाइट पास आपको दिखा कि नहीं दिखा। मेरे ख्याल से भाई मेरी आंखें फूटी हैं और भाई मुझे कहीं पर भी मतलब एलाइट पास देखने को नहीं मिला। अब हम यहाँ पर एंटर होते हैं यहाँ पर ब्राजील सर्वर के स्टोर के अंदर, और अपन यहाँ पर एक एक करके देखेंगे भाई ब्राजील सर्वर का जो स्टोर है उसके अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आर्मरी सेक्शन की, भाई आर्मरी सेक्शन के अंदर क्या कुछ अवेलेबल है। तो आप एक एक करके यहाँ पर देखोगे जो गन्स की क्रेट है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। लेकिन अब यहाँ पर आप नजदीक से देखोगे भाई कटाना का स्किन भी आप यहाँ पर 500 डायमंड में यहाँ पर परचेज कर सकते हो। अपन को कोई
कोई स्पिन नहीं लगाना है। सीधा सबसे पहले आपको यहाँ पर डायमंड परचेस करना है। डायमंड परचेस करने के बाद आप यहाँ पर 500 डायमंड में एक कटाना परचेस कर सकते हो। तो भाई आपने देखा भाई जो ब्राजील सर्वर है उसके अंदर अपन को जो आइटम वगैरह मिलते हैं वो काफ़ी रेयर मिलते हैं। इस कटाना की बात करें तो भाई अदर सर्वर पर भाई सिर्फ ब्राजील सर्वर पर ही ये कटाना की स्किन अवेलेबल है, पर मैं यहाँ पर जहाँ तक जिस सर्वर पर गया उधर मुझे ये वाली कटाना की स्किन देखने को नहीं मिली। उसके साथ हम बात करें कुछ गन्स वगैरह की, तो भाई इधर देखोगी अपनी फेवरेट गन की स्किन। और जितने भाइयों की यहाँ पर क्रेजी बनी MP40 फेवरेट है वो यहाँ पर कमेंट में जरूर बताएंगे कि भाई मेरी क्रेजी बनी MP40 फेवरेट है। और भाई जो इसका क्रेट का मतलब प्राइस है वो यहाँ पर नॉर्मल भी सी बात है भाई, 35 डायमंड में आप यहाँ पर क्रेट को परचेस कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ब्राजील सर्वर की क्रेट सेक्शन की, तो भाई आप एक एक करके क्रेट सेक्शन देख सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल है। तो इधर आप देखोगे कुछ बंडल्स वगैरह जो अपने रैंपेज के बंडल है वो भी इधर यहाँ पर क्रेट के अंदर अवेलेबल है। और उसके साथ में आप यहाँ पर सारे क्रेट के बॉक्स देख सकते हो जो क्रेट वगैरह है भाई कितने ज्यादा यहाँ पर बात करें। और भाई अदर सर्वर पे भाई एंजल रैपर बंडल एंड एंजल हैपअप बंडल अवेलेबल है। और इधर हम देखते भाई जो ब्राजील सर्वर है उसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। भाई अगर बात करें जो एंजल हैपअप बंडल एंजल रैपर बंडल है तो भाई मुझे यहाँ पर नाम लेने में कुछ अटपटा सा लगता है, आपको लगता है कि नहीं लगता वो आप थोड़ा नीचे कमेंट में जरूर बताना कि भाई मैं यहाँ पर नाम ठीक ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं ब्राजील सर्वर की मैजिक क्यूब सेक्शन की, भाई यहाँ पर मैजिक क्यूब के बंडल किस किस प्रकार के, तो आप यहाँ पर एक एक करके बंडल देख सकते हो। काफ़ी हद तक जो भी सेम मिल रहे हैं वो इंडिया सर्वर की तरह हैं, लेकिन नीचे आप यहाँ पर देखोगे भाई इंडिया सर्वर के अंदर दूर दूर तक ऐसे बंडल देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे ए वाला हो गया। और जो अपने यहाँ पर फेवरेट बंडल है आर्टिक ब्लू बंडल वो भी अपन को देखने को मिलेगा। तो ए वाला बंडल देखोगे, ए वाला बंडल इधर अवेलेबल है। और उसी के साथ हम बात करें जो अपना फेवरेट बंडल है आर्टिक ब्लू बंडल वो भी इधर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर सारे मैजिक क्यूब के बंडल एक एक करके देख सकते हो। FF टोकन की बात करें तो यहाँ पर देखोगे जो ब्राजील सर्वर का जो FF टोकन है वो इंडिया सर्वर की तरह सेम है। बस यहाँ पर बात करें कुछ ऐसे बंडल है जो यहाँ पर ओल्ड बंडल यहाँ पर ऐड करके रखे हैं, लेकिन बाकी हम बात करें जो FF टोकन सेक्शन है वो एकदम सेम है। नीचे आपको ब्लू स्टार का यहाँ पर एक बात करें तो एक और इवेंट देखने को मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पर मिलेंगे सारे यहाँ पर फ्लैग वगैरह, जो फेस फ्लैग हैं वो आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हो। इंडिया का है और इधर देखोगे बांग्लादेश का है, ब्राजील का है, और भाई देखोगे भाई जितने भी यहाँ पर फ्लैग वगैरह इंडोनेशिया का हो गया और बहुत सारे ऐसे फ्लैग्स हैं जो इधर आपको फेस फ्लैग आपको इधर देखने को मिलेंगे। और उसके साथ में जो FFCS का जो बंडल आया था वो भी आपको इसी इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और कुछ गन्स की स्किन है जो भी आप यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हो। उसके नीचे आपको एक और यहाँ पर टैब मिलेगा जो सेक्शन है उसके अंदर आपको मिलेगा एकदम रेयर बंडल जो अपने इंडिया सर्वर के अंदर पहले भी आया था। और उसके साथ में बात करें जो यहाँ पर देखोगे पिंक ड्रैगन का जो बैकपैक है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो भाई देखोगे भाई कितना ज़्यादा रेयर इवेंट है। वैसे चप्पलों की कलर भी देखोगे जो रेयर चप्पल का यहाँ पर कलर वगैरह है जो यहाँ पर देखो, वैसे अपने इंडिया सर्वर के अंदर ये वाली चप्पल अवेलेबल है, बस उसका अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा येलो कलर, लेकिन इधर आपको अलग ही कलर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बंडल सेक्शन की कि भाई ब्राजील सर्वर के अंदर जो बंडल सेक्शन है वो कितना ज़्यादा रेयर है। तो आप यहाँ पर एक एक करके बंडल देख सकते हो, लेकिन जो यहाँ पर बात करें अपने इंडिया सर्वर के अंदर ये वाले बंडल कभी कभार इवेंट में देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्राजील सर्वर के अंदर ये वाला बंडल आप यहाँ पर स्टोर से परचेस कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा डायमंड का मतलब बहुत कम डायमंड में मिलता है। और उसके साथ हम बात करें जो बंडल देखोगे भाई एकदम इंडिया सर्वर की तरह सेम है, लेकिन इधर भाई जो बंडल का प्राइस है वो काफ़ी हाई है। तो आप यहाँ पर एक एक करके सारे बंडल की प्राइस देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो अपने यहाँ पर भाई 300-400 डायमंड में बंडल मिलते हैं वो इधर भाई 1000-1500 डायमंड में देखने को मिल रहे हैं, मतलब परचेस करने को मिल रहे हैं। एक एक करके सारे बंडल देख सकते हो। स्ट्रीट बॉय बंडल की बात करें तो इधर 1000 डायमंड में ये वाला बंडल आप परचेस कर सकते हो। करेक्टर सेक्शन की बात करें तो ब्राजील सर्वर के अंदर यहाँ पर 67% ऑफ चल रहा है। भाई यहाँ पर देखोगे आलोक सिर्फ 199 डायमंड में मिल रहा है, और उसके साथ हम बात करें दशा करेक्टर 199 मिल रहा है। तो भाई आप यहाँ पर देखोगे करेक्टर पर ऑफ आया है ब्राजील सर्वर के अंदर, और यहाँ पर ब्राजील सर्वर पे यहाँ पर ये नॉर्मल सी बात है कि ऑफ आना और सस्ता मिलना ब्राजील सर्वर की यहाँ पर खास बात है। और इधर आपको बहुत सारे ऐसे इवेंट देखने को मिलते रहते हैं जिनमें भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री मिलता है, बहुत ज़्यादा माइनस में मिलता है। तो आलोक की प्राइस देखोगे अभी के लिए यहाँ पर 199 डायमंड है और लिमिटेड है, यानी कि अभी जो इवेंट चला है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर हम बात करें 199 में आलोक मिल रहा है। और बाकी के करेक्टर की हम बात करें तो आप यहाँ पर बाकी के करेक्टर की प्राइस देख सकते हो। तो आप यहाँ पर सारे करेक्टर की आप एक एक करके प्राइस देख लो। अब हम बात करते हैं ब्राजील सर्वर के फैशन सेक्शन के अंदर भाई क्या कुछ अवेलेबल है। सबसे पहले आप यहाँ पर कैप वगैरह देख लो, कैप वगैरह देख लो, यहाँ पर कैप वगैरह यहाँ पर देखो कि ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पर चश्मे वगैरह की, तो आप यहाँ पर चश्मे वगैरह देख सकते हो कितने प्रकार के यहाँ पर अवेलेबल है। और भाई ये भी देख लो भाई, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके साथ हम बात करते हैं शर्ट वगैरह, तो आप यहाँ पर देखोगे स्ट्रीट बॉय की, आप यहाँ पर जो स्ट्रीट बॉय बंडल की शर्ट है वो आप एक एक करके यहाँ पर परचेस कर सकते हो। बाकी शर्ट की बात करें तो आप एक एक करके शर्ट ले सकते हो। और इधर की हम बात करें तो इधर आपको कुछ टी शर्ट वगैरह यहाँ पर बात करें तो गोल्ड में मिलती है। चलो मैं ये वाली मोम वाली टी शर्ट यहाँ पर गोल्ड में यहाँ पर परचेस करके बताता हूँ।
तो आप यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पर परचेस की ऑप्शन पर क्लिक किया तो अपन को देखोगे ये वाली टी शर्ट अपन को गोल्ड में मिल गई। पैंट सेक्शन की बात करें तो आप यहाँ पर ब्राजील सर्वर का पैंट सेक्शन देख सकते हो, कितना बढ़िया पैंट सेक्शन है। इधर आपको ज्यादा पैंट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बात करें जो नो स्टाइल के जो यहाँ पर पैंट वगैरह है वो जरूर आपको ब्राजील सर्वर के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन जो अपना जैज पैंट है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर हार्ट वगैरह जो जैज का हार्ट वाला पैंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जूते वगैरह की बात करें तो आपको यहाँ पर स्ट्रीट बॉय बंडल का जूता मिल जाएगा सिर्फ यहाँ पर 159 डायमंड में। अगर आपको पूरा यहाँ पर स्ट्रीट बॉय बंडल परचेस नहीं करना है तो आप एक एक करके भी परचेस कर सकते हो, मतलब ये तो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर बात करें और जूते वगैरह की तो आप यहाँ पर और देख सकते हो। निंजा वगैरह की प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पर निंजा वगैरह की प्राइस देखोगे तो भाई आपको 1500 डायमंड से ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखो कितने सारे यहाँ पर बंडल अवेलेबल है, लेकिन जो बंडल की प्राइस है वो काफ़ी हाई है। अब हम बात करते हैं कलेक्शन सेक्शन की, तो भाई कलेक्शन सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा लूट बॉक्स, तो आप यहाँ पर ये वाला लूट बॉक्स देख सकते हो। और उसके साथ हम बात करें बैकपैक, तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको बैकपैक देखने को मिलेंगे। ड्रैगन बैकपैक का प्राइस यहाँ पर हाई है, यहाँ पर देखोगे जो अपन को यहाँ पर 300 डायमंड में मिलता है वो अपन को 500 डायमंड में मिल रहा है। तो आप एक एक करके सारे बैकपैक देख सकते हो भाई, इतने ज़्यादा बैकपैक यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर देखो मतलब ज़्यादा तो नहीं है, पर यहाँ पर जो बात करें जो काफ़ी रेयर बैकपैक है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ए हो गया। और उसके साथ हम बात करेंगे पैरासूट की, भाई यहाँ पर पैरासूट क्या कुछ अवेलेबल है, तो पैरासूट गिनेचू नहीं है। और इधर हम बात करेंगे स्केटबोर्ड की, तो भाई स्केटबोर्ड एकदम नोब की तरह है, इधर आपको स्केटबोर्ड कोई भी ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। व्हीकल की बात करें तो आपको एक ही व्हीकल की स्किन मिलेगी, यानी कि जो जीप की स्किन है आपको सिर्फ एक ही मिलेगी, वो भी आपको यहाँ पर 1500 डायमंड में मिलेगी। अब हम बात करते हैं ब्राजील सर्वर की इमोट सेक्शन की, तो आपको यहाँ पर इमोट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक क्लिप में आपको सारे इमोट देख लेना है। तो भाइयों आपने यहाँ पर ब्राजील सर्वर की इमोट सेक्शन की यहाँ पर सारी इमोट व्यू वगैरह देख लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइस वगैरह की, तो आप यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर इमोट की प्राइस है वो मेरे ख्याल से भाई नॉर्मल है, यानी कि हम बात करें 500 डायमंड में भाई ज़्यादा नहीं होते। अगर इंडिया सर्वर के अंदर अगर 500 डायमंड में इमोट वगैरह मिलेंगे तो भाई एक एक बंदे के पास एक से बढ़ के एक इमोट होंगे। लेकिन लोल इमोट की बात करें तो भाई आप यहाँ पर लोल इमोट भी देखोगे सेम प्राइस में अवेलेबल है। इधर हम बात करेंगे जो इमोट की प्राइस है वो काफ़ी हद तक सारे इमोट की एकदम सेम मुझे लग रहे हैं। और यहाँ पर बात करें जो ज़्यादा सस्ती इमोट हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से, भाई आपको एक भी मतलब ऐसा इमोट नहीं मिलेगा जो ज़्यादा सस्ता हो। पैट सेक्शन की बात करें तो भाई यहाँ इधर हम बात करें पैट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ते, 450 डायमंड में आप यहाँ पर कोई भी पैट यहाँ पर ले सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर गिने चुने पैट अवेलेबल हैं, और इधर आपको बैगर पैट भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बैगर पैट यहाँ पर ऐसा नहीं कि इधर अवेलेबल नहीं है, इधर भाई क्रेट में अवेलेबल है, जैसे कि अपन ने यहाँ पर वीडियो में पहले देख लिया है। तो भाई अपन ने यहाँ पर ब्राजील सर्वर पूरा घूम लिया, लेकिन अपन ने अभी तक डायमंड टॉपअप नहीं देखा, तो अपन यहाँ पर देखेंगे डायमंड टॉपअप भाई डायमंड का प्राइस क्या कुछ होता है। और इधर देखोगे भाई ब्राजील सर्वर और इंडिया सर्वर का डायमंड का प्राइस सेम है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ पर बात करें अगर आप डायमंड ब्राजील सर्वर के थ्रो करोगे उनके कोडा शॉप से थ्रो करोगे तो अपन को थोड़ा यहाँ पर 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन अपन यहाँ पर डायरेक्ट फ्री फायर के थ्रू यहाँ पर डायमंड टॉपअप करेंगे तो अपन को यहाँ पर सेम मिलेगा, चाहे आप किसी भी सर्वर पर डायमंड टॉपअप कर लो। स्पेशल ऑफर की बात करें तो आपको यहाँ पर स्पेशल ऑफर एकदम डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर बात करें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इधर से डायमंड टॉपअप करके अपने अकाउंट में डायमंड लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर स्पेशल ऑफर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बात करें अपने इंडिया सर्वर के अंदर स्पेशल ऑफर का सीधा प्राइस रहता है कि भाई इतने रुपए में आप स्पेशल ऑफर ले सकते हो, लेकिन जो ब्राजील सर्वर है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डायमंड लाना पड़ेगा, उसके बाद डायमंड में आप यहाँ पर स्पेशल ऑफर यहाँ पर परचेस कर सकते हो। तो भाई आप यहाँ पर देखोगे कितना अजीब, मतलब यहाँ पर बात करें कितना अजीब यहाँ पर डायमंड टॉपअप का रूल वगैरह है। वैल्यू की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे वैल्यू बंडल्स की, तो भाई इधर भी आपको डायमंड में ही यहाँ पर सारा कुछ ले पाओगे। मेंबरशिप की बात करें तो भाई मेंबरशिप के जो प्राइस है वो एकदम सेम, तो आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो। तो इधर आपको यहाँ पर कुछ और यहाँ पर अलग से एक यहाँ पर टॉपअप इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर डायमंड रॉयल के वाउचर मिलेंगे और भाई एक इनक्यूबेटर का स्टोन मिलेगा। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है भाई अलग सा इवेंट है, वैसे इंडिया सर्वर के अंदर अभी तक ऐसा इवेंट देखने को नहीं मिला, अभी के लिए तो भाई अपने इंडिया सर्वर के अंदर ये वाले इवेंट अवेलेबल नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वगैरह जितने भी डायमंड टॉपअप हैं वो अपन ने यहाँ पर ब्राजील सर्वर की सब कुछ देख लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ब्राजील सर्वर का जो इवेंट सेक्शन है वो कितना खास है, तो आप यहाँ
पर एक एक करके यहाँ पर ब्राजी सर्वर के सारे इवेंट देख सकते हो भाई, कितने मतलब कितने बढ़िया बढ़िया यहाँ पर इवेंट वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन सबसे खास बात करें तो भाई ब्राजी सर्वर के अंदर भाई एक्सचेंज आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो भाई एक से बढ़ के एक बंडल आपको एक्सचेंज में मिलेंगे और यहाँ पर टोकन वगैरह एक्सचेंज करने पर मिल जाएंगे। तो इथे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बंडल मिल रहे हैं वो अपन को क्रिएट सेक्शन में जो भी टोकन मिलेंगे उनकी हेल्प से अपन यहाँ पर बंडल यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो यहाँ पर ब्राजी सर्वर पर जो फ्री मिल रहा है वो है यहाँ पर मैजिक क्यूब वगैरह। तो इधर आपको देखने को मिलेगा कि भाई देखोगे लॉगिन करने पर अपन को यहाँ पर 20 फ्रैगमेंट मिल रहा है और उसके साथ में आप यहाँ पर देखोगे जो अपने यहाँ पर नया पेट आया था उसका स्किन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से भाई डेली लॉगिन करने पर अपन को यहाँ पर मैजिक क्यूब का जो फ्रैगमेंट है वो अपन को मिल रहा है। तो चलो मैंने यहाँ पर क्लेम कर लिया और उसके साथ में मैंने यहाँ पर मैजिक क्यूब के फ्रैगमेंट भी क्लेम कर लिए। तो इस प्रकार से अपन को बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्राजी सर्वर और क्रेट वगैरह हो गई भाई, बंडल वगैरह हो गई जो कि अपन को एकदम फ्री मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखोगे भाई सारा ब्राजील सर्वर है। तो भाइयों आपने यहाँ पर ब्राजील सर्वर देखा कि भाई किस प्रकार से ये वाला सर्वर था। अगर आपको पसंद आता है भाई तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं कि भाई अपन को ब्राजील सर्वर पसंद आया कि नहीं आया। वैसे मेरे ख्याल से जो ब्राजील सर्वर उस पर अपन को यहाँ पर इवेंट वगैरह ज़्यादातर देखने को मिलेगी, लेकिन खास करके भाई फ्री के इवेंट और उसके साथ में एकदम रेयर एंड न्यू इवेंट। अगर यहाँ पर बात करें जो गरेना वाले नए इवेंट लाते हैं वो ब्राजील सर्वर और इंडोनेशिया सर्वर पर सबसे पहले अपन को देखने को मिलते हैं और उसी के साथ में मिडल ईस्ट सर्वर पर भी अपन को ये वाले इवेंट देखने को मिलते हैं। तो अपने यहाँ पर ब्राजील सर्वर भी देखे होंगे भाई कितने अच्छे अच्छे इवेंट चलते रहते हैं, कुछ फ्री के चलते रहते हैं और डायमंड प्राइस भी आपने देखा कि भाई एकदम सेम रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ पर डायमंड प्राइस के मतलब अदर इवेंट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बात करें यहाँ पर डायमंड परचेस करने के कुछ यहाँ पर अलग अलग इवेंट अपन को देखने को मिलते रहते हैं और उसके साथ में अपन ने यहाँ पर देखा जो डायमंड रॉयल का बंडल था वो कितना अच्छा बंडल था और भाई कितना डिफरेंट था अपने इंडिया सर्वर के हिसाब से। तो आपने यहाँ पर पूरा ब्राजील सर्वर यहाँ पर देख लिया भाई किस प्रकार से था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो भाई अपन को मैंने बता ही दिया कि आपको क्या क्या करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।